अपने यूट्यूब चैनल क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं और 12वीं का एमपी बोर्ड का रिजल्ट 2023 का जारी हो चुका है। कई कारणों से कई छात्रों की क्या है सप्लीमेंट्री आई है, कई विषय में फेल हो चुके हैं। तो वो क्या छात्र सप्लीमेंट्री का पेपर देके और रुक जाना नहीं योजना का फायदा उठाकर क्या है पास हो सकते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो मैंने आपको क्या है सप्लीमेंट्री का आपको फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, इसका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। मतलब सप्लीमेंट्री परीक्षा से संबंधित मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए थे। उसी वीडियो में आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे रुक जाना नहीं परीक्षा की योजना के बारे में भी सर पूरा जानकारी दे दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है रुक जाना नहीं योजना की जो परीक्षा है उसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से छात्र हैं, क्या जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से छात्र हैं रुक जाना नहीं की परीक्षा दे सकते हैं। ओके, और रुक जाना नहीं की परीक्षा का फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि रुक जाना नहीं जो योजना के फॉर्म भरने की फीस क्या होगी। ओके, फीस आपको क्या देनी पड़ेगी, रुक जाना नहीं योजना की जो परीक्षा के फॉर्म कैसे भरेंगे। ओके, और जिसकी जो मार्कशीट होती है वो मान्यता प्राप्त मिलती है होती है कि नहीं होती है, तो सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्रम से आपके डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिस है, मतलब आप देख सकते हैं विज्ञापन है रुक जाना नहीं परीक्षा की योजना का जो एमपी बोर्ड का दिया है। ओके, इसमें बहुत सारी डिटेल है, इसके माध्यम से मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात करें क्लास 10th के स्टूडेंट की। ओके, क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपको दोस्तों पता है कक्षा 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 6 सब्जेक्ट में कोई भी छात्र क्या है दो विषय में अगर फेल हो जाता है तो वो क्या है सप्लीमेंट्री की परीक्षा का फॉर्म भरना है। किसका फॉर्म भरना है, सप्लीमेंट्री परीक्षा का। ओके, अगर वही छात्र क्या है तीन विषय से ज्यादा विषय में फेल हो जाता है, इस स्थिति में कक्षा 10वीं वाले छात्र को रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना है। ओके, अब क्लास 12th की बात करें कक्षा 12वीं की। ओके, तो अगर आपकी क्या है एक विषय में फेल हो गए हैं, पांच विषय में एक विषय में फेल हो गए हैं तो आपको क्या है सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी है। लेकिन अगर आप क्या है दो विषय में फेल हो गए हैं या दो से अधिक विषय में फेल हो गए हैं तो इस स्थिति में आपको क्या है रुक जाना नहीं योजना की आपको क्या है परीक्षा देनी है। ओके, तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में क्या है तुरंत ही आप भेज दीजिएगा, आगे मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर दूंगा। नेक्स्ट आपका डाउट रहता है कि सर जो क्या है रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ओके, तो देखिए फॉर्म क्या है आपके 25 मई। ओके, 25 मई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो आप क्या है भर सकते हैं। किस प्रकार से भरना इस वीडियो में आपको बता दूंगा, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मतलब क्या है 25 मई से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी मैं आप पहले सुन लीजिए, लास्ट डेट है आपकी केवल 4 जून। ओके, 4 जून आपकी लास्ट डेट है, 4 जून से पहले आपको क्या करना है फॉर्म भर देना, नहीं तो आप क्या है चूक जाएंगे। ओके, तो 4 जून के इसकी आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपको भर देना है। ऑफिशियल नोटिस से मैं बता रहा हूँ, देखिए एमपी बोर्ड ने स्वयं ही जारी किया है जिसमें लिखा है योजनागत पात्र छात्र 4 जून तक। ओके, तो 4 जून तक से पहले आपको क्या है रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा आपको का फॉर्म भर देना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका कमेंट आता है कि रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के फॉर्म भरने की फीस क्या होगी। तो फीस सुन लीजिएगा सभी स्टूडेंट की, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की, फिर इसके बाद मैं आपको कक्षा 12वीं की बताऊंगा। ओके, तो साइड कक्षा 10वीं की है, साइड कक्षा 12वीं की। ओके, तो कक्षा 10वीं में देखिए पहले दो विषय में तो सप्लीमेंट्री में भरा जाता है, तीन विषय से देखिए ये तो नहीं करना, तीन विषय के लिए अगर आप तीन विषय में फेल हैं तभी आप रुक जाना नहीं योजना का फायदा उठा पाएंगे कक्षा 10वीं में। ओके, तो फीस लगनी है ₹1500। ओके, अगर आपका बीपीएल कार्ड वगैरह है तो आपकी लग जाइए ₹1000। ओके, चार विषय में फेल है तो आपकी लगनी है आपकी ₹1700। ओके, और क्या है आप अगर बीपीएल वगैरह है तो उसमें 1100 हो जाएगी आपको, और पांच विषय में तो ये पूरी लिस्ट दी है, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए। ओके, कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं में देखिए एक विषय में अगर फेल होते हैं सप्लीमेंट्री होती है। ओके, दो विषय से देखिए, दो विषय में आपकी लगनी है अगर आप फेल हो चुके हैं रुक जाना नहीं योजना का आपको फॉर्म भरना है, फीस लगेगी आपकी ₹1460। ओके, और आपका बीपीएल वगैरह है तो ₹9060 लगेगी। ओके, बाकी आप तीन विषय में फेल हैं तो ये आपकी दी है, चार विषय में फेल है तो ये आपकी फीस दी हुई है, आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी जितना मैंने बताया जरूर नहीं इतना ही लगे, इससे ₹100-150-200 ज़्यादा लगेंगे क्योंकि जो फॉर्म भरेगा आपका वो भी फीस ले लेगा, तो ₹200-300 आप ज़्यादा मान के चलिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका डाउट होता है कि रुक जाना नहीं की परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें और कहां से भरें। ओके, तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे भरना है, लेकिन मैं आपसे सलाह दूंगा कि आपको ये फॉर्म स्वयं नहीं भरना है, आगे आसपास क्या है कंप्यूटर ऑनलाइन की दुकान होती है जहां फॉर्म वगैरह भरने का काम किया जाता है वहां से आपको फॉर्म भरना है। ओके, आपको स्वयं भरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। क्या है फॉर्म भरने के लिए गूगल पर जाना है, गूगल पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना है एमपी और सॉस। ओके, SOS। ओके, ये आपको सर्च कर लेना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी MPSOS, ये आपको सर्च करना है।
ओके, तो ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। यहाँ को लिखा है रुक जाना नहीं योजना, देखिए आप बीच में देख रहे हैं रुक जाना नहीं योजना, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्या है, जैसे ही आप क्या है रुक जाना नहीं योजना पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप जो है सर्विस पर आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ मिला लिखा मिल जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है आपका ओके RJNY June 2023 ओके। तो इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है, यहीं से आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। पूरी आपको यहाँ क्या है डिटेल भर देनी है, सबमिट करिएगा, फीस सबमिट करेंगे तो आपकी क्या है फॉर्म भर जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा पूरी ओके कि आपके जो आसपास क्या है MP ऑनलाइन की दुकान होती है वहीं से फॉर्म आपको भरना है ओके। आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट हो, जितने भी डाउट हो रुक जाना से संबंधित सप्लीमेंट्री परीक्षा संबंधित कमेंट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा ओके। साथ ही आपका रुक जाना का टाइम टेबल कब आने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, सभी इस चैनल में बताने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्या है आपको प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। जो छात्र क्या है फेल हो गए सप्लीमेंट्री वगैरह आई है सभी को वीडियो शेयर कर देना है ओके। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।